जाती बात नहीं बताएंगे आपको। अरे बता दे, सीक्रेट है, सोचते रहिए। तूने सुना ना जो इसने कहा? हाँ। लेकिन कपड़े वाली बात इसने नहीं बताई। आज नागपंचमी, मैं चाहता हूँ उस नकली संतोषी को तुम एक मुंह तोड़ जवाब दो। देवेंद्र कहाँ है आप? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि संतोषी माँ हमारा साथ देंगी या नहीं? ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि। ये हमारी पहली भक्त है तो हम इसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। संतोषी क्या कर रही हो? बस पूजा कर रहे थे। तुम यहाँ पूजा कर रही हो? क्यों, क्या हुआ काकी? अरे संतोषी माँ ने तो तुम्हारी प्रार्थना पहले ही स्वीकार कर ली है। मतलब? चलो आओ आओ बताते हैं। कहाँ, बताइए तो सही। हम तुम बताते हैं, चलिए। अरे तुम चलो तो सही, चलो चलो हम आते हैं। चलिए। कैसे लगी हमारी सरप्राइज? बहुत अच्छी। हम संतोषी माँ के साक्षात दर्शन तो नहीं कर सकते लेकिन उनके बाहर की पूजा तो कर सकते हैं। ये लो बेटा, आज तुम्हें गौ माता से जो कुछ भी मांगना है ना बस मांग लो। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज के दिन गौ माता की पूजा करना और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत अच्छी बात होगी। जी, इस वृद्ध महिला ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है। हम सोच ही रहे थे कि संतोषी की सहायता हम कैसे करें, कैसे हम उसे धैर्य के चौथे वचन से अवगत करवाएं। अब हमें उपाय मिल ही गया है। देखिएगा गौ माता की पूजा करने के बाद संतोषी की आत्मविश्वास में कितना परिवर्तन आएगा। अरे शांत हो जा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ये अच्छा अवसर है। तो माता ये आपने क्या किया? वही किया जो इस समय संतोषी के सही है। माफ कीजिएगा, वैसे हमारी गाय बहुत सीधी है लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी विचलित हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। हमारे तो सारे कपड़े गंदे हो गए, हमें अब दोबारा से वो हरी साड़ी पहननी होगी। हम तो यहाँ संतोषी को उसका हौसला बढ़ाने के लिए लाए थे पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। संतोषी जी, बेटा परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम हमारे साथ अंदर, हम तुमको दूसरी साड़ी देते हैं। हे
कि संतोषी माँ संतोषी के सिंदूर की लाज रखना। मिस्टर तेजपाल, 4 करोड़ की डील है ये। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। Did you get that? गजब पैसे वाली है मैडम। 4 करोड़ की बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे पैसे जेब में ही पड़े हो। ओके। बैठिए मिस्टर। गुड्डू जी, गुड्डू नाम है हमारा। तो बताइए कैसे आना हुआ? मैडम वो कहा है ना, हम ना जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते, अलग करना चाहते हैं सबसे हट कर। और दूसरी बड़ी बात ये है ना कि छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे काम हमें सूट नहीं करते। तो तुम्हें काम चाहिए? हाँ जी, काम चाहिए। मैं दूंगी ना तुम्हें काम, उसके बदले में तुम्हें याद है ना मुझे तुम्हारा घर चाहिए। मैडम हमारे जान के सिवा कुछ भी मांग लीजिए, कुछ भी। पर मैडम घर वालों की सेटिंग कैसे करेंगे हम? कम ऑन गुड्डू, जान तो यहाँ मेरे लिए सब देते हैं, तुम मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते? अच्छा मैडम, जो लोग बोलते हैं ना कि जान दे देंगे वो सब झूठ बोलते हैं। आज तक क्या कभी किसी ने बोलकर किसी के लिए जान दी है? नॉर्मली लोग मुझे सिर्फ इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये पहला लड़का है जो फैक्ट बोल रहा है। अरे मैडम पाक हो गई आप? हाँ, और हम बता रहे हैं हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा मैडम। गुड्डू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे आगे बढ़ना। अब जी मैडम ठीक है, जैसे आपको। सो दीलदान 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 मैडम। देखिए देवराज इंद्र, हमारी प्रथम भक्त हमारे आशीर्वाद से पहले ही विजेता प्रतीत हो रही है। देवी स्वर्ण रेखा को प्रणाम, देवी संतोषी का कुछ ही समय में आगमन हो रहा है। कहीं देवियों को ये ज्ञात ना हो जाए कि यही देवराज इंद्र है। प्रणाम माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। पधारिए माते, आपके आने का प्रयोजन बताएं। देवी स्वर्ण रेखा, हम यहाँ देवराज इंद्र की खोज में आए। देव ऋषि के अनुसार देवराज इंद्र आपके महल में देखे गए थे। नारायण नारायण। हाँ माते, ये जानकारी हमें स्वयं देवी स्वर्ण रेखा ने दी थी। देव ऋषि की सूचना के अनुसार ही हम यहाँ आए हैं देवी। हो सकता है देवराज इंद्र के बारे में कोई सूचना मिल सके। हमें इनका ध्यान भ्रमित करना होगा, अन्यथा किसी भी क्षण ये देवराज तक पहुंच सकती हैं। हम कितने कितने दुर्भाग्यशाली हैं माते, विवाह की रात्रि हमें वियोग का दुख मिल गया। हम स्वयं भी बहुत चिंतित हैं माते, हमने कब से देवराज इंद्र को नहीं देखा। देवी आप चिंतित ना हो, हम देवराज इंद्र को शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है, हम शीघ्र ही उनकी खोज करेंगे।
नारायण नारायण। माते प्रतीत होता है कि शीघ्र अति शीघ्र ही हमें यह सूचना ब्रह्मदेव तक पहुंचानी होगी। माते देव ऋषि, आपने संपूर्ण देवलोक में और हमने देवी स्वर्ण रेखा के महल में खोज लिया है, अब ये बात ब्रह्मदेव को बताना ही उचित होगा। हम अपनी प्रथम भक्त को देखना चाहते हैं कि वो क्या करने वाली है, किंतु हमें देवियों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वैसे भी शत्रुओं की निकटता कभी कभी मित्रों की निकटता से अधिक लाभकारी होती है। चलिए माते, माते माते, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? चलिए देवी। हम लोग तो आ गए, लेकिन बाकी के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी देर हो गई, इनको आ जाना चाहिए था। संतोषी जल्दी कर बेटा, देर हो रही है हमें। बस काकी, दो मिनट हो गए। अब जब चिड़िया उड़ने के लिए तैयार है तो क्यों ना उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। बड़ा प्लान किया है। ये भगवान, हमारा फोन भी बाहर है क्या? काकी सर अपना फोन दीजिए ना। अरे हमारा फोन, अरे हाँ वो भी बाहर टेबल पे रह गया। ये भगवान, धैर्य सर, काका, काका, धैर्य सर, कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोलिए। सुन नहीं रहा है काकी। मधु मैडम ने हमारे लिए कोई सरप्राइज रखा है।
संतोषी और विद्या देवी तक आए क्यों नहीं? ऐसे तो हम लोग यहीं रह जाएंगे काकी, कुछ करना पड़ेगा क्या? आराम से। यहाँ हम लोग कमरे में बंद हो गए और वहाँ सिंदूरी अपना रंग दिखा रही होगी। अरे ये नकली संतोषी कहाँ रह गई? अरे आ और कर आज की चुनौती पूरा। उम्मीद करता हूँ कि संतोषी ने प्रूव कर दे कि वही संतोषी है जिसे मैंने प्यार किया था। कहाँ रह गई संतोषी तुम? प्लीज जल्दी आ जाओ। भाभी, आई थिंक हमें संतोषी का वेट नहीं करना चाहिए और सारे रिचुअल शुरू कर देने चाहिए। अच्छा हुआ संतोषी यहाँ नहीं है, वरना सिंदूरी को सारी रस्में निभाते हुए देखकर वो उसे कॉपी कर लेती। वो महारानी तो अपने मन की मालिक है। सिंदूरी तुम अपना ड्रामा। क्या हमारा मतलब है कि तुम रस्में शुरू करो। इसी का तो हमें इंतजार था। हे संतोषी मां, मना कीजिएगा। संभाल के बेटा। पंचमी में तुम क्या करोगे? तो राम कुछ नहीं पता तुझे, तेरी पूजा करेंगे और क्या। सिंदूरी तो सब कुछ वैसे ही कर रही है जैसे संतोषी ने कहा था। अगर इसने कोई गलती नहीं की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर तेरे लिए खीर बनाएंगे। खीर हम तुझे बाद में खिलाएंगे। चल हमारे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। चल तुझसे वादा किया था ना कि तुझे झूला झुलाएंगे। तेरे लिए झूला डालेंगे। मुझे झूला नहीं झूलना है, संतोषी का। धैर्य, अपने वादे के मुताबिक तुम्हें सिंदूरी को पूरा मौका देना होगा। याद रखो, तुमने सबके सामने कहा था कि नाग पंचमी के दिन अगर सिंदूरी खुद को संतोषी साबित कर देगी तो तुम उसे स्वीकार करो। और वैसे भी धैर्य, जिसके साथ तुमने प्यार किया ही नहीं उसके साथ रहने का क्या मतलब है?
प्रेम तो तुमने सिंदूरी से किया था, है ना? चल बैठना, चल बैठना। नकली संतोषी आज यहां नहीं पहुंचने वाली। ये चंदन का पौधा तुझे हमारे साथ लगाना है। तू हमारे साथ चंदन का एक पेड़ लगाएगा, हमारे कॉर्पोरेशन। क्या सच में मैंने सिंदूरी से प्यार किया था? ए, क्या सोच रहा है? ये चंदन का पेड़ हमारे प्यार का प्रतीक है, तो ये रस्म भी हमारे साथ पूरी कर। एक हीरो, अब तूने हमसे वादा किया है आज के बाद सांपों को नहीं मारेगा। चला। आज ये तो साबित हो गया कि सिंदूरी ही संतोषी है। नहीं प्रताप जी, अब तक हमारी जीत नहीं हुई है। अभी तो तुझे तेरे चार वचन पूरे करने हैं। चार वचनों में पहले दो वचन हैं, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर। ले हीरो, भर दे हमारी मांग सिंदूर से। हाँ हाँ धैर्य, तुम्हीं ने तो कहा था कि जो जीतेगा तुम उसकी मांग भरोगे और मंगलसूत्र भी पहनाओगे, कहा था कि नहीं? सोच क्या रहा है हीरो? ले ये सिंदूर और सजा दे हमारी मांग। हीरो, अपना वादा पूरा कर। तेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाएंगे। हीरो, आज से तू सिर्फ हमारा होगा।
सही नहीं है संतोषी, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। रुकिए धैर्य सर, अभी हमारी बारी शुरू नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है? थोड़ी देर पहले तो ये हरी साड़ी में थी। कभी कभी बुरा भी अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ सिंदूरी तुमने हमें कमरे में बंद कर दिया। एक बात हमारे दिमाग में घूम रही है। क्या? ये सिंदूरी अपने आप को चौल से छिपा रही है। पता नहीं तुमने गौर किया कि नहीं, पर हमने देखा कि उसने कुछ लाल सा पहना हुआ था और खूब सारी लाल चूड़ियां भी जो दुल्हन ही पहनती है। काकी ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले देरी हो गया, अभी जल्दी चलिए। अरे नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? तुम्हें पता है सिंदूरी ने हमें तीन शर्तें बताई थी और वो चौथी वाली शर्त तो उसने हमें बताई नहीं थी। अब हमें समझ में आ रहा है ये चौथी वाली शर्त जो है ना वो दुल्हन के कपड़ों वाली है। अरे वरना कोई नाग पंचमी की पूजा में दुल्हन जैसा तैयार होता है? नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाके वो लाल साड़ी पहन लो दुल्हन वाली और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। हम बस दो मिनट में चल तुरंत आते। आपने हमारी परीक्षा लिए बिना ही तय कर लिया कि असली संतोषी कौन है और नकली कौन। अरे कहाँ थे तुम लोग, इतना वक्त लगा दिया। अब हमारी बारी जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार। शुक्र है संतोषी माका कि आप दोनों वक्त पर आ गए। हमने आपसे जितने भी वादा किए थे हम वो पूरे करेंगे। पहले हम अपने वादे पूरे करते हैं, फिर आप अपना वादा निभाइए। शादी करने का वजह इस नकली संतोषी ने हमारे साथ छल किया है, धोखा दिया है हमें। सिंदूरी अब हार रही हो तो कुछ भी मत बोलो। हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत हो गया सिंदूरी, अब बस करो। क्या बहुत हो गया? और वैसे भी हमने तुझे कोई तैयारी करते हुए नहीं देखा। हमारे हीरो को झूला कैसे झुलाएगी? वहां से खींची।
हमें अपने सारे वादे याद थे धैर्य से, झूला झुलाना, पूजा, चंदन का पेड़ और खीर। आप चंदन का पेड़ लगाए? संतोषी, मैं जानता हूँ ये चंदन का पौधा हमारे प्यार की निशानी है, और इस पौधे की तरह मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए हमेशा महकता रहेगा, हमेशा के लिए। I'm sorry, मैं तुम पे शुक्र। में तो सारी हो गई और वचन आपने हमें पहले ही दे दिया है। क्यों सिंदूरी, सही कह रहे हैं ना? अब आप अपना कहा पूरा कीजिए। तू झूठी है, मक्कार है। चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रही हो? इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए सिंदूरी। अगर इंसान हद में ना रहे ना, तो सामने वालों को उसकी जगह दिखानी पड़ती है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और क्या हमारे बारे में अनाप शनाप बके जा रही हो? अपनी असलियत बताई सबको? बताया कि तुमने हमें कमरे में बंद कर दिया था? तो अब बता दो ना। धैर्य सर, अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। सही कह रही है संतोषी, इसने हमें कमरे में बंद कर दिया था। प्रताप भैया, प्लीज अपने फोन पे आप देखें ना सीसीटीवी फुटेज में क्या है। भैया प्लीज। ठीक है ठीक है, करता हूं। सब समझ में आ गया मुझे कि असली चालबाज तुम हो। चाल तुमने चली, तुम मुझको मेरी पति से दूर करना चाहती हो। अरे धोखा तुमने दिया है संतोषी ने नहीं, और ये असली संतोषी है, तुम ढोंगी हो।
तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी अपनी संतोषी पर शक किया। आज तुम अपना वादा पूरा कर दो ठहरे और अपने इस रिश्ते को और मजबूत बना दो। ये लो मंगलसूत्र, ये हमने अपनी सबसे छोटी बहू के लिए संभाल के रखा था। जब पहली बार तुमने उसकी मांग भरी थी हम ये नहीं दे पाए उसे, पर आज आज हमारे सपने को पूरा कर दो बेटा। अरे बेटा देख क्या रहे हो, अरे मांग भरो संतोषी की। आज हमारा रिश्ता पक्के धागे से बंध गया जिसको मेरी पत्नी ने अपने विश्वास से बांधा। अब हम भी अधूरे नहीं रहे। आज हमें धैर्य सर ने दिल से स्वीकार किया। नमस्कार, मैं पूनम ढिलन आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम माँ संतोषी की चालीसा का मर्म आपको समझाएंगे। संतोषी संकट हरना है चमत्कार की मूर्ति, ग्रह बाधा को दूर करना करो कामना पूर्ति। इसका मतलब है हे माता संतोषी चमत्कार की देवी, मेरे ग्रहों के बाधाओं को दूर कीजिए, मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए।
जय युग युग की आदि शक्ति, जग में प्रचलित है तव शक्ति, आदि मध्य और अवासना, तेरी गतिविधि कोई न जाना। हे युगों युगों की आदि शक्ति, तुम्हारी जय हो। आपकी शक्ति जग में प्रसिद्ध है, आपकी शुरुआत मध्य और अंत और आपकी गतिविधि कोई नहीं जान सकता। निर्मल श्रद्धा में खुश होती, थोड़े में संतुष्ट हो जाती। काली में नाम नाम धारियो संतोषी, अग्नि तुल्य प्रत्यक्ष विशेखी। आप निश्चल भाव भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, थोड़े में ही खुश हो जाती हैं। आप में काली का अंश है, आपका तेज अग्नि से भी तेज है। कला ज्ञान बल विद्या दात्री, तुम सब सरल सुखद नहीं धात्री। सकल चराचर तुमसे चलते, भूत प्रेत यमदूत से हरते। आप ही संसार को समस्त कला विज्ञान बल को देने वाली हैं। आपकी तरह सरल तरीके से इन सबको देने वाले कोई नहीं है। संपूर्ण सृष्टि आपके इशारों से ही चलती है। भूत प्रेत यमदूत सब आपके नाम से डरते हैं। दुष्ट दलन संहार करती माता, तुम ब्रह्मांड धारिणी। सरस्वती लक्ष्मी और काली, अमिता शक्ति की महिमा निराली। तुम्हारी शरण गहे जो कोई, मनोकामना पूर्ण होई। आप दुष्ट जनों का संहार करती हैं और धरती की रक्षा करती हैं। आपके अंदर काली सरस्वती और लक्ष्मी की मिली जुली शक्ति है। आपकी शरण में जो कोई आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम गणेश की मानस कन्या, तुमसे धरती हो गई धन्य। रिद्धि सिद्धि है तुम्हारी माता, मंगलमय वरदान की दाता। आप गणेश जी की मानस पुत्री हैं। आपके आने से यह धरती धन्य हो गई। रिद्धि सिद्धि आपकी मानस माता है, जो समस्त लोग को मंगल का वरदान देती है। ब्रह्म विष्णु महेश त्रिमाया, उसका बल तुम में है समाया। सिर पर सुंदर मुकुट सुहाता, सुंदर रतन समूह दिखाता। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं की शक्ति आपके अंदर है। आपके माथे पर रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट और भी ज्यादा सुंदर लगता है, मानो किसी रत्न भंडार की आभा। मधुर मनोहर मुखड़ा कोमल, पुष्पमाला और श्यामल कुंठल। अलंकार सोता अंगन में, नव्य दिया तन गेरु रंग में। आपका मुख बहुत ही कोमल और मन को लुभाने वाला है। आपके गले में पुष्पों की माला अति सुंदर लगती है। आपके हर अंग में आभूषण सुंदर लगते हैं। आपके घेरवे रंग के कारण वो अभावान हो जाते हैं।